हाय गाइस, तो ये ग्लिसरीन नहीं है, ये आई ड्रॉप है। तुम्हारी वजह से मेरी आंखें जा रही हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब किया करो। आग से हटके आज की वीडियो में मेरे साथ कोई और भी है। आ जाओ। नींद से आ रही है। ड्रामा देख रहे हैं, इसकी नींद क्यों आ रही है? तो हम दोनों, जैसे कि आप देख सकते हो, छोटी कौन है फिर से? मैं तो वही कह रही हूँ, छोटी हूँ मैं। तो आप लोगों से मैंने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे और प्लस यूट्यूब पे भी एक चीज पूछी थी कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो ऋतु रिप्लाई करेगी सबके क्वेश्चंस का मुझसे रिलेटेड। तो आप में से बहुत लोगों ने रिप्लाई किया और मैं स्टूपिड मी, मैं देखना ही भूल गई नेक्स्ट डे। तो मैं कुछ लोगों के तो भूल ही गई हूँ कि क्या क्वेश्चन दिए थे। सॉरी, वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं होता, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। देखो पीछे क्या जा रहा है, हम लिटरली रोड पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं अभी। ये देखो गद्दे कवर। पहले अंकल को जाने दो यार, नहीं तो भारती गद्दे कवर बेचेगी। YouTube के बाद मुझे यही लग रहा है, मुझे यही करना पड़ेगा। अगर YouTube चैनल नहीं चलाना, मैं गद्दे बेच रही हूँ, गद्दे कवर बेचेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो रितु के लिए क्वेश्चन है, रितु को कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है इसको क्या क्वेश्चन होंगे। आइडिया तो मुझे भी नहीं था क्या क्वेश्चन होंगे, पर धन्यवाद क्वेश्चन करने के लिए, तभी वीडियो बन पा रही है। पहला क्वेश्चन है रितु के लिए, जो कि अंतरा ने पूछा है। क्या? हाँ, अंतरा नाम है, अच्छा नाम है। हम इसका मतलब बताइए। अंतरा वो जो होता वो है ना, जो होता है वो लिरिक्स वो लिरिक्स में आता है अंतरा, वो जो होता है ना लिरिक्स में अंतरा आता है। ज्यादा टीचर मत बना कर बाद में। क्या भारती टीनेज में कभी रात में चैटिंग करते हुए पकड़े हैं? एक तो पकड़े हैं, प्लीज शेयर योर रिएक्शन। रिएक्शन दे। मेरा रिएक्शन कुछ नहीं है, पापा ने पता है हम तीनों एक कमरे में, जैसे पापा जी आने वाले थे, तीन चार लेयर चद्दर के ऊपर फोन। ये एक्चुअली क्या होता था ना, हम लोग ना चैटिंग करते थे जब हमारा टीनेज था, हमारा भी होता, रात के दो बजे से निकले ही थे, पास आउट रात के दो बजे तीन बजे तक हमें चैटिंग करनी है। सारी सारी रात भर का जागरण नाम रख रखा था हमने तो। और मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा नाम रख रखा था सिंगम। मेरे फोन में लिटरली अभी तक सिंगम के नाम से सेव है पापा का नंबर। जैसे गेट की घंटी नहीं, एकदम पापा जी के बजाने का स्टाइल अलग था कुंडी का। वो उन्होंने कुंडी बजाई, हम समझ गए भाई सिंगम आ गया। लाइट वाइट सब बंद, तीन चार चद्दर के लेयर कर ले फोन के ऊपर और ऐसे। और जैसे ही पापा गए फिर रह गए, फिर पापा हमें झांकने पर्टिकुलर कहा करते थे मैं इनका फोन फेंक दूंगा, फोन जला दूंगा। और पेरेंट्स का है तो फोन ही सब कुछ है। तो हम क्या करते थे ना, फोन की टॉर्च पापा को पता ना चले तो लेयर पे लेयर चद्दरों की, और मुंह के यहाँ रखते थे फोन आके। जैसे पापा ने मैंने साइड में रखे एक्टिंग करते, फिर भी हमारे पिताजी को पता चल गया था। पिताजी मतलब पापा जी को पता चल गया था। कितनी बार, बहुत बार पकड़े भी गए हैं बहन कभी बहुत कभी। बहुत मैं चैट कर रही हूं, पापा आ गए। अब क्या कर रहे? टाइम देख रही थी नींद नहीं आ रही। और जागरण हमने नाम रख रखा था कि आज रात का जागरण प्लान है भैया। पता नहीं यार मजा आता था पहले, अब कुछ मजा नहीं आता, बोरिंग लगता है यार। वैसे तो वो भी नहीं पाते, अब तो चैटिंग हम करते ही नहीं है बस। हाँ, इंस्टाग्राम खोला तो स्क्रॉल कर लिया, फेसबुक खोला तो स्क्रॉल कर लिया। अब नेक्स्ट, ऋतु को बहुत गर्मी लग रही है, देखा काम कितना मुश्किल होता। नेक्स्ट है गाइस, भारती डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट यू नो, भारती ने कभी बहुत ज्यादा कांड किया है क्या घर में? ने तीनों ने प्लान किया था, मैंने, इसने और मेरा कजन है उसने, कि आज ना हम ड्रिंक करते हैं। पापा मत देखना वीडियो, पापा देखते नहीं। वो पेन बोतल में लेकर आया, ठीक है, कि हम तीनों बैठ के पियेंगे। हम बहुत छोटे थे, आई थिंक स्कूल पास आउट हो गए थे, ट्वेल्थ हाँ, कर ली थी। तो लेकर आया, अब क्या था कि हमें मम्मी को नहीं बताना था, लेकिन मम्मी को फिर भी पता चल गया। पता नहीं कैसे हमने खूब छुपाया था, और वो लिटरली पेप्सी की बोतल में लाया था। अब ये दोनों कहने लगे चलो अभी करते हैं। मैंने कहा नहीं यार अभी नहीं करते, थोड़ा लेट हो जाने तो ऊपर चल के बैठ के करेंगे। ये इनको सबर ही नहीं हो रहा था भैया ये तो वो इन दोनों ने पूरी खत्म कर दी, मेरे लिए छोड़ी नहीं। मैंने कहा मेरे लिए छोड़ देना, सारी खत्म कर दी। और एक ड्रॉप को कहते ले ये तू पी ले, मैंने वो एक ही ड्रॉप टपकाई, मेरा गला कटते, मैंने कहा हटा इसे। उस दिन के बाद मैंने ट्राई नहीं करी, इसने कितनी बार करी पता नहीं। नहीं मैं पीती नहीं हूँ, नहीं मैं सच में नहीं पीती। ये देखियो मेरा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट क्या है मेरा, ये नहीं पता यार इसको, मेरा सीक्रेट नहीं पता मेरी बहन ने। चलेगा लात मारना, गलत हो गया इसको, मेरा सीक्रेट नहीं पता। सीक्रेट जो घर से छुपा हुआ है, अब तो वो बता दिया, अब क्या छुप रहा है।
अब तो बता दिया ना, अब क्या चुप रहे हो? विदुषी का कमेंट है, हु इज गुड इन स्टडी? मैं। ए तू चुप रहे, तेरे से ज्यादा परसेंटेज है मेरे हर जगह। टीचर कौन है? टीचर से फर्क नहीं, मेरे से ज्यादा परसेंटेज भाई है। सुनो, छोटे भाई बहन के ज्यादा आ जाते हैं, उसके बाद ना देखो सिस्टम बदलता जाता है और बड़े छोटों को समझाते हैं ऐसे नहीं ऐसे करियो, ऐसे नहीं ऐसे करियो, तो उनके ज्यादा नंबर ऑब्वियस आ ही जाते हैं। ये ग्रेजुएशन में किसकी फर्स्ट रिविजन है? तेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं है, मेरी फर्स्ट डिवीजन है, मास्टर्स में भी और ग्रेजुएशन में भी। मास्टर्स में मेरी भी फर्स्ट डिवीजन है और टॉप थ्री में हूँ मैं मास्टर्स में। ये देखा हो गया शुरू। हाँ, बाय द वे हम सभी पढ़ने में अच्छे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। हमारे घर में सब पढ़ने में किसी को कभी पीछे पढ़ना नहीं पड़ा कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, सब अपने आप हैंडल कर लेते थे अपना प्रेशर। हाँ, तो गुड इन स्टडी मैं हूँ। मेरा ये सीक्रेट खोल रही थी, क्या खोल रही थी? मैं तो वही खोलती, वो बोल रही नितिन का। नहीं नितिन का नहीं, अभी जो बता रही थी कि मैंने कभी काम नहीं किया। हाँ, इसने कभी काम नहीं किया, घर से इकट्ठा लाया करती थी और उस घर से कह रही हो स्कूल से इकट्ठा करके लाए और मेरी बड़ी वाली बहन के आगे आगे मेरा होमवर्क दिया। प्रियंका करती थी, वही बेचारी लगी रहती थी इसका मतलब रिटर्न वर्क करने में। लिटरली वैसे हमने ट्वेल्थ में काम किए भी नहीं है, इलेवन ट्वेल्थ नाइन्थ से हमने कोई रिटर्न वर्क किया नहीं, सिर्फ मैंने जो स्कूल टाइम था उस टीचर का किया करते थे जो कहता था चेकिंग होगी। मैं और उसमें भी पता क्या करते थे, आंसर बीच में से गायब कर लेते थे, क्वेश्चन गायब कर देते थे, चार 10 पेज का चैप्टर 2 पेज में। बहुत काम चोरी किया है, पर हम पढ़ाई में अच्छे थे। कुल्लू लड़ कुल्लड़ी तो है, तू टीचर है तू पढ़। कुल्लू डड़ क्या डी है भाई? कुलूड सॉरी नहीं बोल पा रहे। व्हाट इज द वन थिंग यू नेवर टोल्ड मी? उसको ये मेरे से पूछा यही कि मैं आपका नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट गलत ले लिया। रूपाली का है, बेसिकली आपकी बहन नितिन के बारे में क्या जानती है? क्या जानती है बहन? यार मैं बेसिक से जानती हूँ। क्या जानती है? मतलब ठीक है, वो कहाँ से है? उत्तराखंड से है और पहाड़ी है, उसके उनकी अपना खुद का बिजनेस है। बहुत ज्यादा नहीं जानती ऐसे पर्सनली, बहुत ज्यादा मैंने मीटिंग नहीं की है ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं मिली हूँ, बहुत हल्के एक दो कुछ मुलाकात हुई। उसका कहने का मतलब है कि क्या ऋतु नितिन के बारे में जानती है? मुझे लगा क्या जानती है। हाँ भाई जानते हैं बहुत पहले से, ऐसे नहीं है कि मतलब अभी रिसेंट पता है, हमें एक दूसरे के बारे में सब कुछ पहले से पता है, पर मेरी फैमिली को अब सब पता है। हाँ, अरे फोन एक दूसरे के हाथों में रहा करते थे, जब मेरा चैट करने का मूड नहीं होता तो मैं बन के ये बात कर लेती थी, ये बन के मैं चैट कर लेती थी। तो मैं सबको सब कुछ पता है। दोस्त है कंचन का, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन और योर सिस्टर क्वालिफिकेशन? लास्ट इसकी बीकॉम है, एमकॉम है। मेरे 2 साल खा गई है एमकॉम है, लेकिन इसमें ज्ञान 12वीं तक का भी नहीं है। मेरी है मैं एमए इकोनॉमिक्स हूँ। देख मैं अपना कितना डिसेंट वे में बता रही हूँ, दिख रहा है प्रोफेशनलिज्म आ गया। और मैंने बीएड किया है, इसके अलावा सीटेट क्वालिफाई हूँ और अभी केवी में जॉब कर। अब बहन बता दे मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और इसकी इंस्टाग्राम आईडी ये है, तो जाके फॉलो कर सकते हो, बहुत लोग पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रूपाली का तो हो गया। रूपाली कितनी बार आई? ए रूपाली, मुझे इससे कैरी मुनाटी का वो गाना याद आ रहा है, ए रूपाली। रिद्धि का कमेंट है, हाउ योर सिस्टर एंड फैमिली रिएक्शन व्हेन दे फर्स्ट मीट नितिन? बाय द वे यू लुक बोथ ग्रेट टुगेदर, ही इज अ नाइस पर्सन। देखो आगे जा मेरा भाई आ रहा है, ये वही है जिसने पीने वाला प्लान। हाँ वो भी भाई है, तो बताओ ही इज अ ग्रेट पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, और आपका रिएक्शन क्या था? मेरा ऐसा कोई रिएक्शन, फर्स्ट टाइम जब नितिन को देखा था क्या रिएक्शन था तेरा? मेरे याद भी नहीं है पहली बार कब देखा था, इतना पुराना हो गया सर, जमाना हो गया नितिन निकल यहाँ से। मैंने मुझे याद नहीं है पहली बार कब देखा था मैंने। हाँ उसी के बर्थडे पे मिली थी मैं पहली बार उससे, जब प्रपोज किया था। हाँ मेरे सामने ही तो किया था और उसका मैंने रिजेक्ट कर। हाँ मेरे सामने ही हुआ था और पहली बार उसके बर्थडे पे मैं, और उसने बहुत ज्यादा फोर्स किया था, मैं तभी गई थी वरना मैं जाने नहीं वाली थी। उस दिन इतना एग्जॉस्ट हो गया था, इतनी बारिश, इतना बुरा हाल। इतने ऋतु को बकायदा एक लेटर लिखा था, दीदी ये फलाना दीदी यार, इसको मैं कहा दीदी यार, इसको बहुत गुस्सा आया था। हाँ और क्या, मैं दीदी हूँ क्या यार? रिएक्शन बता कैसा था तेरी बहन को प्रपोज किया लड़के ने? मेरे को कुछ इतना फर्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि इसका अपना ओपिनियन है यार इन सब के लिए, तो मैं इसकी लाइफ में इतना क्यों घुसू, इसका अपना ओपिनियन है उसके लिए, तो मैं इतना नहीं।
और है कैसा तो यार नाइस है, इन दोनों का अपना अंडरस्टैंडिंग है, इसके लिए नाइस है तो नाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज फॉर योर सिस्टर, व्हाट डिड भारती डू एज अ लिटिल किड, व्हाट वाज द सुपर एंबैरेसिंग क्या था बता दो। और मैंने क्या, मैं छोटेपन में बता दो बिल्कुल बता कैसे दो, क्या एंबैरेसिंग था भाई ना करती थी ये काम ये, और ये बहुत एंबैरेसिंग था अपनी नाक के क्या Yes, I did. और इसको पूजा नाम बहुत पसंद था। ये चाहती थी कि इसका नाम पूजा रखा जाए। मेरे को इसे भारती नाम बिल्कुल पसंद नहीं था, इसको चाहिए था इसका नाम पूजा हो। अब नहीं चाहिए मुझे पूजा, मुझे भारती भी नहीं चाहिए, मुझे पू को मुड़ के किसने नहीं देखा। एंबैरेसिंग था मेरे लिए भी, बहुत गर्मी होती जा रही है यार। एक और क्वेश्चन है, पहले शादी किसकी होगी? मैं तो कहूँ ये कर ले, पर घर वाले करेंगे नहीं। सासू माँ, अब तू तो छोटी है, अब कैसे कर ले यार, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो परमिशन दे रही हूँ, कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज शी अप्रूव्ड ऑफ नितिन, आई थिंक दैट्स द नेम बीइंग योर बॉयफ्रेंड, ये तो मुझे पूछना है, डज शी अप्रूव्ड। मैंने अभी पहले ही बोल दिया कि तेरे को नाइस लगता है, तेरे लिए ठीक है तो ठीक है, ठीक है भाई, जिसको काटनी है उसके लिए ठीक होना चाहिए, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू, अब ये मुझे रितु से पूछना है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर ड्रीम जॉब लाइक, व्हाट यू लाइक टू डू एज अ जॉब। रितु बता मेरी ड्रीम जॉब क्या हो सकती है। भैया ऐसे तूने कभी ड्रीम अपनी जॉब में कुछ दिखाया नहीं? बहुत बार बताया मैंने, सबको बताया, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरा परिवार सब ऐसी है। मेरे क्या है, तू मेरी बहन नहीं, अगर तूने नहीं बताया कुछ इंटरव्यू दे। I want to be a model. हाँ हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, पर मैं सोच रही थी तू जरा सी कोई हिंट दे दे तो मैं बिल्कुल परफेक्ट जाऊंगी, तीर निशाने पे मारूंगी कतई। और किसी ने लड़का भेजा तेरे लिए? ए हट, लिटरली पता नहीं मैंने लिखा आस्क आस्क एनीथिंग, इस लड़के की फोटो दे दी, हट कर दिया, सॉरी ब्रो। ब्रो बोल रही हूँ, तेरा जिज्जा बनने को दिया। क्वेश्चन निलास का है, इज योर सिस्टर सपोर्टिव एंड डू शी नो योर सीक्रेट्स? या अंदर से कह रही होगी ना, ऊपर से दिखाने के लिए कह रही है हवा। वैभवी का क्वेश्चन है, यही बैठी रहे। वैभवी का क्वेश्चन है, एज डिफरेंट बाय द वे यू एंड योर सिस, एज डिफरेंस बता नितिन, कह रही बात रितु, एज डिफरेंस बता रहे तू हमारे बीच, देखो जितनी हाइट डिफरेंस है उतना ही एज डिफरेंस। आई थिंक हमारे बीच में 2.5 से लेकर 3 तक का डिफरेंस है, 10 साल जैसा मम्मी बताती है, 10 साल बड़ी है मुझसे, 2.5 से 3 साल का डिफरेंस मम्मी बताती है, तो आई थिंक इतना ही होगा। देखो एक ना रील चली थी कि जो घर में छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्वेश्चन है स्नेहा का, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर, तेरा क्या है और मेरा क्या है बता। मेरा बिगेस्ट फियर तुझे पता ही है, शादी नहीं शादी भी है, बहुत बड़ा फियर है शादी, शराबी। ओ हाँ, इसको बहुत डर लगता तो भाई, मुझे याद है एक बार तो ये तो पागल हो जाती है शराबी मेरा बहुत बड़ा फियर है। जहाँ दिख जाए मैं वहां से खड़ी हो जाती हूँ, मैं चल नहीं सकती वहां से, ये बहुत डर जाती है। और मेरा बाकी में किसी से नहीं डरती, तेरा लिजर्ड? ओ या आई हेट इट। तो यही थे क्वेश्चन, होप आपको पसंद आई हो हम दोनों की ट्विनिंग, जो कि है नहीं, हमारी ट्विनिंग ऐसे में मिलती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट, अगर पसंद आई होगी तो कमेंट करना, लाइक करना, और अपनी बहनों के से लड़ाई करते रहना, ये तो जरूर हाँ। करना, लड़ाई जरूर करना हाँ। सिबलिंग बने इसलिए यार, हंसते रहो, खेलते रहो, मजाक करते रहो, और ये वीडियो के लिए है बस, नहीं हम वैसे भी लड़ते बहुत हैं, वही तो बोल रहे हैं, अब लैंड का टेम्परेचर बढ़ गया है बहुत, कितनी गर्मी है, हम हॉट हॉट नहीं है हम लोग, टेम्परेचर बढ़ गया, सो अब हम जा रहे हैं।